इम साल कोरोना वायरस ने जहां रमज़ानुल मुबारक की रिवायती और मजहबी सरगर्मियों को यरगमाल बनाया हुआ था, वहां ईद की रौनकें भी कुछ ऐसे ही हालात का शिकार रहीं। ईद के मानी खुशी के होते हैं और दुनिया भर के मुसलमान इस बार ये खुशी कुछ ज़्यादा भरपूर अंदाज और खुल के न मना सके। लेकिन टीनिक न्यू जर्जी में ईद कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम यहाँ की दो बड़ी मसाजिद यानी निदाउल इस्लाम और दारुल इस्लाम में बच्चों की तफरी और तबाह की गरज से बच्चों के लिए ईद की इन खुशियों में शामिल होने के लिए ड्राइव थ्रू खिलौने, मिठाइयाँ और पिज्ज़ा देने का बंदोबस्त किया गया, जिसमें करीब जवार से फैमिलीज और खसूसन बच्चों ने एक बड़ी तादाद में शिरकत की और इससे बेहद महजूज हुए। During Corona, I mean, it's nice you can see everyone in the cars. Alhamdulillah, we're still doing Eid, so Eid Mubarak. Eid Mubarak. Happy Eid Mubarak. तकरीबन तीन घंटे की इस ड्राइव में 500 से ज़्यादा गाड़ियों ने तहाइफ वसूल किए और इस्लामिक सेंटर के मुजाफात में आबाद इन लोगों ने इसे बेहद सराहा। The kids should get the vibe. We are getting the vibe too. We all are happy. This is very good initiative of them. I like to thank all of them who are involved in this nice idea. The drive-through idea. My kids are very happy and I wish them all good luck and happy Eid Mubarak. ईद के मौके पर ऐसे हालात को भी इस्लामिक सेंटर के इमाम ने इसे अल्लाह की रज़ा और इस पर शुक्र करने की तलकीन की। इस रमज़ान में अगरचे हम मस्जिद में नमाज़ें नहीं पढ़ सके, लेकिन हमारे घर जो है ना मसाजिद बन गई। हमारे घरों में बच्चों ने, फैमिली ने सारी की सारी तमाम की तमाम नमाजें बाजुमात अदा की और तरावीह घर में पढ़ी गई। सुबह की नमाज का इहतमाम घर में हुआ, तो इसमें यह हुआ कि पहले जो लोग मस्जिद नहीं आ सकते थे तो घर में उन लोगों ने इंतज़ाम किया, तो इसमें भी मेरे ख्याल में अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से कोई ना कोई एक बेहतरी है। इस एहतमाम पर ईद कमेटी की इंतजामिया ने ऐसी तकरीबात को जारी रखने का इरादा जाहिर किया। पिछले 15-16 साल से ईद कमेटी ऑफ न्यू जर्सी ईद की नमाज के इंतजाम करते आ रही है और बड़ी धूमधाम से, वैसे आपने पिछले साल देखा होगा हमी ने मेटलाइफ में स्टेडियम में तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोगों का ईद की नमाज का इंतज़ाम किया था। लेकिन इस वक्त हमें जो परेशानी आई है, इस ये जो आजकल जो पैंडेमिक डिसीज़ जो कोरोना वायरस की वजह से आपने देखा है कि सारे लोग घरों में कैद हैं और तरावियाँ भी नहीं हुई इस बार रमज़ान में, तो ईद की जब नमाज़ का वक्त आया तो हम काफ़ी परेशान थे कि अरे यार क्या करना चाहिए। तो हमने सोचा कि यार ऐसी चीज़ करते हैं जो ड्राइव थ्रू इवेंट करते हैं, जहाँ पर कारें आएँगे, लोग कारों में से उतरेंगे नहीं, उन्हीं को मतलब कार में बैठे रहेंगे और उन्हें हम बच्चों के लिए खिलौने, बड़ों के लिए मिठाई और पिज़्ज़ा वगैरह भी काफ़ी चीज़ें दी हैं आज। यकीनन ईद लोगों में खुशियां बांटने का नाम है और हमें अपनी इस मजहबी रिवायत पर हर किसी का ख्याल रखना चाहिए। गुलफाम खान, टीनिक, न्यू जर्सी।